इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सी बी एस ई सैंपल पेपर्स वन मार्क्स क्वेश्चन वट इज एन अल्कली एन अल्कली इज ए बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज लाइक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोऑक्साइड ये सारे वाटर सोल्यूबल बेसिस हैं और वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम लोग बोलते हैं अल्कलीज नेक्स्ट क्वेश्चन एट वट पी एच द रेन वाटर इज टू बी एसिड रेन वाटर को हम लोग एसिडिक कब बोलेंगे वेन पी एच इज़ लेस देन फाइव पॉइंट फाइव आपको पता है जब सेवन आएगी पी एच तो ये न्यूट्रल है लाइक like वाटर है जब पी एच हमारी लेस देन सेवन होगी तो एसिडिक होता है और जब पी एच ग्रेटर देन सेवन होगी तो वो हमारा बेसिक होता है तो हमारे पास पूछिए कि जो हमारे पास रेन वाटर है उसकी पी एच कितनी होती है तो रेन वाटर की पी एच है लेस देन फाइव पॉइंट फाइव वट आर द यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस द यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ लेंस आर डायोप्टर। एंड वट इज पावर ऑफ लेंस इट इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्च और डायवर्च द रेज ऑफ लाइट अब पावर ऑफ लेंस है क्या इट इज़ इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ लेकिन आपने ध्यान रखना है कि पावर ऑफ लेंस के यूनिट्स तो डायोप्टर है लेकिन जब आप लोग नुमेरिकल्स करेंगे तो पावर ऑफ लेंस जो आपके फोकल लेंथ है आपने इसको मीटर में ही लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन विच कलर ऑफ वाइट लाइट हैज़ लीस्ट डेविएशन एंड मैक्सिमम डेविएशन आपको पता है कि जब एक कोई भी वाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगी तो वो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाती है और बनाती है वी आई वी जी वाई ओ आर तो वो विव की और बनाती है सेवन कलर्स का एक बैंड बनता है लॉन्गर बेवलेंथ लाइट वो okay, कौन सी वेवलेंथ है रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम डेविएट होती है और सबसे शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट कौन सी है बॉयलेट और ये सबसे ज़्यादा डेविएशन शो करती है बॉयलेट लाइट वेन पास थ्रू द फिजम सो वाइट लाइट हैज सेवन कलर्स एंड दिस बैंड ऑफ सेवन कलर्स इज नोन एज बिब क्योर रेड लाइट की बेवलेंथ सबसे ज़्यादा और डेविएशन सबसे कम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लाज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत सिंपल ये आपका कोई पॉलिश सरफेस हो गया ये नॉर्मल ये इंसिडेंटेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे अब जो ये हमारी इंसिडेंटेड रे है ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है तो जो ये इंसिडेंटेड रे है जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये नॉर्मल है ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन और जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दे आर इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और व्हाट इज़ दिस रिफ्लेक्शन द ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट लाइट इसी सरफेस के साथ टकराई और यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो गई बाउंस बैक हो गई इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी इमेज आर फॉर्म्ड बाई द टू पैरल मिरर्स अगर दो पैरल मिरर्स के बीच कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कितनी इमेजेस बन सकती हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बिटवीन द टू पैरल मिरर्स विल बी इनफाइनाइट असंख्य इमेजेस बनेंगी दो पैरल मिरर्स के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन वाई आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज कर्व ये देखिए ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल सो फील्ड लाइंस बेसिकली क्या है फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी और साउथ पोल पे आकर खत्म हो जाएंगी नॉर्थ से चलेंगी और साउथ पे आकर ख़त्म हो जाएंगी तो फील्ड लाइंस बेसिकली क्या बनाती है क्लोज्ड कर्व्स बनाती है बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड दे एंड एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड विद इन द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्ज इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल तो हम लोग देखते हैं जो फील्ड लाइन्स है वो क्लोज कर्व्स बनाती हैं साउथ पोल से स्टार्ट करती है और नॉर्थ पोल पे आकर एंड हो जाती हैं। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें और मैथ साइंस के अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल एस एस सी प्रेपरेशन को विजिट करें थैंक्स फॉर वॉचिंग